हेलो नमस्ते सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज है 8th डे, तो आप सभी को अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड यार आज मैं सच में सोचा था कि इधर प्रीति पिंकी हो रही है, इस टाइम मेरा और शिफ्ट हो गया है। और जिनको भी मुंबई का गरबा का पता है उनको पता है प्रीति पिंकी जहाँ भी करते हो बहुत हैपनिंग होता है। तो मैं सोचा था जाऊँगा, मगर यार मेरा स्टमक एक हो रहा है इसलिए आज मैं नहीं जा रहा हूँ। देखते हैं आ रहे नहीं जाएंगे क्या करेंगे अभी पता नहीं। अभी मेरे को जाना है प्रिंस के घर पे क्योंकि मम्मी है वहाँ पे और मम्मी को अभी जाना है चौकी में, तो उनके पास सामान है तो मेरे को यहाँ लाना है। तो चलिए चलते हैं। एंड लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, कोरा के अंदर का था, बहुत एंजॉयमेंट किया था हम लोगों ने। एंड अभी 2 दिन और है 12th, कल रात को भी बहुत मजा आया था, कल 12:30 बजे तक हुआ था एंड आज भी 12:30 बजे तक है। शायद से कल लास्ट डे मंडे, मगर कल भी 12:30 तक ही है। सो लेट्स सी, एंजॉय करेंगे, आपको भी दिखाएंगे, बने रहिए एंड चलिए चलते हैं। एकदम ट्रू टू योर फेस, यू शट अप। पैसा देने के लिए ये लो प्रिंस, ये लो गिफ्ट मेरे तरफ से। इतना सारा से चौकी के लिए उड़ाने के लिए, वो इतना सारा छोटा ये के लिए क्या 2000 है? हाँ कुछ भी 2000 है, आप तुम 2000 का नोट दो, नहीं 500 का 4 नोट दो, 2000 का नहीं, नहीं 2000 नहीं, 500 का 2 नोट दो। ठीक है, घर पे आऊंगी तब दूंगी ना 4 क्या 5 दे। मम्मी कहाँ जा रही हो तुम? चौकी में, माता की चौकी में। सही है। और तुम कहाँ जा रही हो? जहाँ भी जा रही हो मत बताओ। में जाती है ना? नहीं, प्रीति पिंकी जाती है। कितने का? 800 का पास? नहीं, फ्री में पासेस मिले हैं, लेकिन जिनको मिल गया उनको मिल गया, अभी नहीं है रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लड़का टाइगर श्रॉफ आया था, टाइगर श्रॉफ आए थे, एक नाथ शिंदे सर आए थे कल, टाइगर श्रॉफ इधर आया था। अरे कसम से वो कल आया था एक नाथ शिंदे। तुम रोज उधर जाती हो? 7 स्क्वायर पे ही तो है, 7 स्क्वायर के ग्राउंड में तो है। अच्छा, जो स्कूल है उसके पीछे। तो ये और इसके ऐसे रोज तो फोटो डालती है अपने छपरी लोगों के साथ। देखो मेरे दोस्त लोग को छपरी बोल रहे, देखेगा हम लोग बोल रहे कितने अच्छे मेरे दोस्त हैं, सब सबसे मिले हैं। देखो देखो बाकी तुम तो छपरी, सिर्फ लड़कियों को बोल रहे हैं अच्छे, बाकी सबको छपरी बोल रहे हैं। लोग पिंजरी आती है खेलने, तीर्था भी आती है थाने से। भाई रेडी हो गए मम्मी चौकी में जाने के लिए? चलो हम जा रहे ना, चल ले जाना है, ये ले जाना है घर पे। हां ठीक है, डब्बा में डाल देना और पूजा का सामान है तो वो डाल देना। ओके फाइन। क्या बोल रही हो? ये तो रेडी ही नहीं हो रही, कितना मेकअप कर दिया अचानक से। कितना मेकअप किया है? ये देखिए इनका गरबा लुक, इधर से इसीलिए दोस्त का 4 बार फोन आ चुका, ये वही है जो लेट करवाती है। दैट इज वेरी ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू। मैंने उनको कब का टाइम दिया और मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ, मैंने कपड़े भी नहीं पहने अभी तक, वो लोग प्रीति शर्मा पहुंच भी चुके होंगे। जाओ अभी, हाँ फट से रेडी होती हूँ, कपड़ा पहनो, वो ज्वेलरी पहनो, देखो सब रखी हुई है। ये देखिए इनका रखा हुआ है, ये इनका मेकअप, ये इनका पर्स। पर्स में पैसा है? नहीं, उसमें मेकअप है। हम किसको कहीं नहीं छोड़ने वाले हैं। फ्रेंड्स भी गरबा खेलने जा रही तो मम्मी बोल रही जा अभी, पापा देखो छोड़ देगा। क्यों छोड़ू भाई मैं, क्यों छोड़ू, अभी हम भी जाएंगे। थोड़ा पेट दुख रहा है, अभी घर जाएंगे थोड़े टाइम, बोले थे दवा ले ले। यार पेट दुख रहा है, सर्दी ठीक हुआ तब थोड़ा खांसी हो गया, वो तो होना ही था। एयर क्वालिटी जो अपना मुंबई का गिरा है ना, देखिए तुम तो, अरे बहुत एयर क्वालिटी मुंबई का बहुत ज्यादा गिरा है अभी। तो सब लोग बोल रहे थे, पर मिला टीवी बोल रही थी कि भाई इधर तो फिर भी कम, हम लोग के सोचो उनका 24 माले पे बोलती एकदम धुआं कुछ दिखता ही नहीं है बहुत अभी, क्योंकि कल के 2-3 दिन पहले ही आया, एयर क्वालिटी तो बहुत बहुत ज्यादा खराब है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से सबको सर्दी जुकाम गर्म खराश हो रहा है मुंबई में, क्योंकि अंकित सबको हुआ है, मेरे पहचान में तो सबको हो ही रहा है ये चीज। निशा जी को हो गया, पहले सर्दी तो हुआ था, सर्दी खासी हुआ, गला दुख रहा था, दूसरे दिन बेचारी छुट्टी ली, उसको बुखार आ गया। तो बहुत संभल के रहिए जो भी मुंबई में, एयर क्वालिटी बढ़ाई है। क्या बोले, तेरे से मतलब? अभी जाओ प्रिंसी, नहीं तो अभी मार देंगे पीठ पे घूसा। तुम्हारी कसम, इसके ऊपर का भी है। ये देखिए जो लहंगा है ये मम्मी का है, वाह
खेलते नहीं थे मगर ऐसे पहन शीतल नगर हम कभी भी हाँ देखने जाते थे हाँ तब तो बहुत अच्छा होगा क्या ट्रू पैदा भी नहीं थी तू मैं शीतल नगर में खेली हूँ बेकार हो गया रहेगा आज से 15-20 साल हो गया तब क्राउड हाँ, तब क्राउड अच्छा रहता था और शीतल नगर का ही बस दुबई तक चलता अच्छा। था और पूरे मीरा रोड में बेस्ट होता था मीरा रोड में बेस्ट डेढ़ दुबई तक शीतल नगर चलता था हाँ रात तक चलता था हाँ हमको याद है और अपने को कितना फ्री पासेस मिलता था हेतवे वाला तो अभी भी बोलते थे पासेस तो लेके दे देते नगर अब इतना खास नहीं है हां अब नहीं लास्ट ईयर हुआ ही नहीं था इस साल हुआ है तो 10 लोग गए होंगे रात वाला चलो मम्मी बाय अरे तो तुम्हारा चाबी का क्या सीन है फिर तुम कब आओगी हाँ तो अभी तू कितने देर में आएगा इधर इधर आएगा कितने टाइम में सब जानना है अरे तो चाबी कैसे देगा बेटा फिर मेरे को चाबी तुम इधर ही रहोगी ना हाँ इधर ही आईला वही बिल्डिंग के सामने हो रहा है ना चौकी उस वाले को ना ठीक है तुम आके दे देंगे तो चाबी जाते समय हमको थमा देना ठीक है बाय प्रिंसी ये क्यों चल रही है मम्मी मेरे साथ हमको हम नहीं छोड़ रहे तेरे को भाड़ा बच जाएगा यार वहाँ तक तो छोड़ दे बेचारी का 30 रुपया पैसा बहुत है प्रिंसी के हम बचा बचा के ठसा के रखती है मम्मी तेली अरे और पहले नहीं उस दिन बोली कुर्ता मंगा लिया और भरवाई हमसे और करी अभी खुद फोन लिए टेंशन है उसका भरने का एक तो घर का एड्रेस निकालेंगे सबके फोन से हम जो ये आ रहा है ना अमेजोन और मिंत्रा तुम लोगों का भाई हम बंद कर दिए आज कोई आया था क्या मिंत्रा से लेने नहीं ना नहीं नहीं आया था बोलिए ये अपना जो मेरा जीपे और जो कार्ड कनेक्टेड है ना वो निकालेंगे अभी तो रुको तुम दोनों लोग जो परेशान किए ऐसा करेगा भाई हाँ ऐसा ही करेंगे ये दोनों लोग ए तू भी मारेंगे अभी खींच के गरीब माँ पे कुछ तो तरस खा भाई गरीब माँ का गरीब बेटा ये प्रिंसी अब एक बार ये कर दो ये पुनीत सुपरस्टार जैसा हैप्पी नवरात्रि टू एवरीबॉडी अब तो नवरात्रि का खत्म भी हो जाएगा आई होप आप सबने बहुत मजा किया हो बहुत गरबा किया हो क्योंकि मैंने तो बहुत किया आज भी रात में 12:30 तक करने वाली हूँ बस मैं सही सलामत घर पुनीत सुपरस्टार हो लाइक ये नहीं ये सब हरकतें करती मैं गंदा सा के चले जाएंगे हमें बहुत मजा आएगा बहुत मजा आएगा प्लीज और गाइस यार इधर मैंने गलती से वीडियो की जगह स्लो मोशन में शूट कर लिया इसलिए जो कॉन्वर्जेशन हुआ वो तो रिकॉर्ड हो नहीं पाया मगर मैं मम्मी को बोल रहा था यार मैं प्रिंसी को छोड़ के चला जाता हूँ बहुत मज़ा आएगा वो चिढ़ जाएगी तो वही मम्मी को बता रही बोल रही थी कि नहीं मत कर ऐसा उसको जाके छोड़ दे वहाँ पे एंड अगेन ये भी स्लो मोशन में शूट हो गया एक्चुअल में 2-3 क्लिप शूट हो गया और यहाँ पे मैं देखो ऐसा कर रहा था कि मैं जा रहा हूँ और प्रिंसी मेरे पीछे आ रही थी तो उसको लगा कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ और वो वही चिल्ला रही थी मेरे को मगर यार स्लो मोशन में शूट हो गया मगर फाइनली हमने उसे बिठा लिया एंड उसको उसके जगह पे डेस्टिनेशन पे जाके सेफली अच्छे से ड्रॉप कर दिया ये है चिंकी मिंकी वाओ चिंकी मिंकी चलो बाय हो गया है नेक्स्ट डे क्या शाम हो गए 6:30-7 बज रहे हैं एंड आज है 9th डे नवरात्रि का और खत्म आज मतलब खत्म क्या कल है 10वां मतलब दशहरा पर मोस्टली गरबा आज ही होता है कल होता है मगर बहुत थोड़ा मोड़ा होता है और आज तबीयत भी सही है कल स्टमक एक बहुत था इसलिए मैं गया नहीं था कहीं तो मगर आज सही है बस हल्की सी खांसी है और जैसे मैंने कल बोला था अगर तबीयत सही रही तो प्रीति पिंकी ज़रूर जाऊँगा तो आज लास्ट डे है तो चलिए चलते हैं और अब बहुत तकलीफ हो रही क्योंकि लास्ट डे है और मीरा भाईंदर में ये एरिया में बहुत अच्छा हो रहा है वो तो पूरे पास से सोल्ड आउट है और जो मिल भी रहे थे एक दो यार अनाप शनाप पैसा मांग रहे थे तो फिर जैक वैक लगाया बहुत कर करके तो मेरे को अभी 5 पासेस मिले हैं एंड प्रथमेश्वर अभी भी पासेस कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट हो जाएगा तब तक और अभी तो टाइम है 2 घंटे हैं 9:30 तक जाएंगे क्योंकि आज भी 12:00-1:00 तक है मजे आने वाले हैं चलिए यहाँ का दिखाते हैं और कल प्रीति पिंकी में यार रूपाली गांगुली आई थी जो अनुपमा प्ले करती हैं और 2-3 दिन पहले जैसा कल बताया टाइगर श्रॉफ आए थे एंड महाराष्ट्र के CM भी आए थे तो बोल रहा हूँ बहुत अच्छा हो रहा है इस साल यहाँ पे और एक और लोटस भी था मगर वहाँ नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो इतना खास नहीं है, मतलब इधर जाना था तो चलिए अभी भी मैं जा रहा हूँ मासी के उधर क्योंकि उनके पास भी एक थोड़ा जैक है पासेस का तो अगर वो हुआ तो और पास आ जाएंगे वहाँ से तो चलिए फटाफट चलते हैं वहाँ पे एंड फिर घर आएंगे रेडी होंगे एंड जाएंगे पिंकी प्रीति लास्ट नाइट ऑफ गरबा है एंजॉय तो करना बनता है ना तो करेंगे खेलेंगे नहीं बस देख के एंजॉय करेंगे और मस्ती मजाक करेंगे चलिए आ रहे हैं ना कहाँ जा सुनता भी क्या जा रहे उधर से पासेस खा सकता है ना वो विक्रम अंकल के यहाँ से ठीक है आते हैं अरे 7 बज रहा है अभी तो टाइम है बहुत
अरे फिर भी ऑफिस में जाएगा, भीड़ रहे कुछ रहे, सब जा तो पहले, फिर मम्मी और खेलो पैर मुड़वा ली हम सही कर देते। खेलते वक्त नहीं मुड़ा, मैं नीचे उतर रही थी तो पैर ट्विस्ट हो गया। तो चश्मा लगा के घुमा करो ना प्रिंसी। लेंस लगाया नंबर वाला मैंने। अरे वो लाइट बंद कर जाता, हम फोटोज खींचे में इतने। तो अभी कहाँ जा रही हो तुम इतना सज वज के आज? क्यों लास्ट डे है तो, मगर तुम तो खेल नहीं पाओगी। ये उधर जाके खेलेगी, मत भेजो इसको, हम देखने नहीं जा रहे इनको, हम देखने जा रहे हैं मगर इसको नहीं। गरबा गरबा खेलने नहीं देंगे। अरे सब झूठ बोलते हैं, सब खेलने देंगे। नहीं, हाँ, मैं वीडियो का फोटो खेलने नहीं, तो इधर फोटो खिंचवा लो बाहर, हम खिंचवा के चलो। आग मत लगाओ। ये देखिए आज ये प्रॉपर वो गरबा वाला अटायर पहनी है। 1 2 3 बोले थे इतना करने को? चुप रहो तुम गंदे से। इतना बोले थे करने को? वहाँ पे भी लेना मेरा अच्छे से, हम दिखेंगे भी नहीं तुमको। मैं ढूंढ लूंगी जहाँ खूबसूरत लड़कियाँ होंगी वहीं पे। गिव मी पासेस, दे रही हूँ, मेरा फ्रेंड ला रहा है। इग्नोर कर दिया हम तुमको, बाय तुरंत। अच्छा तो तुम बोल रहे हो ना, अगर ये थोड़ा भी खेली तो इसको मारे वहाँ पे। ठीक है अब देखो, जय माता दी। जो इतना सज धज के घूम रही हो ना, अगर थोड़ा भी तुम हिला भी दी पैर अपना, देखो ये बोल रही है। नहीं ना बाबा भैया, स्टॉप इट प्लीज। बोल रही है मैं खेलूंगी, जो करना है कर लेना। हाँ ठीक है, मार देंगे। तो गाइस चलिए अब हम भी चेंज कर लेते हैं यार। एक तो कुर्ता कुर्ता सब दोस्त लोग बोल रहे हैं। तो तुम पागल हो गए, नवरात्रि में कोई कुर्ता नहीं पहनेगा तो क्या पहनेगा? अपने पास कुर्ता नहीं है, जितने थे सब टाइट हो गए, एक था वो पहन लिया। आज प्रिंसी जो ब्लैक शर्ट दी है ना वो पहन जाऊंगा। अरे ब्लैक शर्ट बहुत पिटी लगे, पर नवरात्रि में कौन पहनता है बाबू भैया? मैं, बाय। पागल हो, कुर्ता पहन के आना। आ चुके हैं घर गाइस हम, और ये रहा हमारा पासेस प्रीति पिंकी के, और ये सीजन पास है जैसे आप देख सकते हैं, 9 दिन यूज हो सकते हैं, तो 5 पास है। और वो विक्रम अंकल के उधर नहीं गए, मासी के उधर मैं गया था, क्योंकि यार नीचे मेरे को प्रथमेश मिल गया था, और अराउंड सबने ऐसे 5-6 करके 30-35 पास हम लोग ने कर लिया। मैं कहा फिर पॉइंट ही नहीं, और इतना पास लेके क्या करेंगे अब। मैं तो विक्रम अंकल के उधर जाता, उधर से भी 10-12 पास आराम से मिल जाते थे, इसलिए मैं गया ही नहीं। इधर हो गया अराउंड 30-35 पासेज हो गए। तो चलिए बस अब रेडी हो जाते हैं। अब कुर्ता पैजामा यार है ही नहीं, 4 है, 2 बहुत ओवर है, वो पहनूंगा नहीं, क्योंकि ऐसा खेलता हिलता तो ठीक है, ऐसे अच्छा नहीं लगता, बस पहन के खड़े रहो। एंड बाकी जो पहनने वाला था वो एक्चुअल में भी टाइट हो चुके हैं, तो चलिए शर्ट टी शर्ट ही पहन लेते हैं और फिर निकलते हैं। अभी सब आते रहेंगे और अपने को ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं पहुंचने में, क्योंकि हार्डली 5 मिनट्स पे जो ग्राउंड जहाँ हो रहा है ये मेरे घर से। सो बस रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं, और आपको अब प्रीति पिंकी का गरबा दिखाता हूँ मैं। पजामा कुर्ता पहन रहे हो क्या? कौन सा कलर है ये पूछ रही? कलर पजामा कुर्ता कहाँ है, जो हो गया है वो टाइट हो गया, बाकी थोड़ा ज़्यादा है, मोटा हो गया है। तो अभी शर्ट पैंट पहन के जा रहे हैं, एक्चुअली खेलना का है, खड़े रह के देखना इतना है अपने को, बोरिंग है। तुम भी नीचे जा रही हो पहना था तो मेरे को थोड़ा ओवर लग रहा है, ओवर द टॉप, मगर फिर चलो इस कुर्ते में देखने में क्या है, ऐसा फेस्टिव वाइब आ रहा है। और सब बोल रहे थे यार कुर्ता पहन, और फिर लास्ट डे भी है, मैं कहा चलो यार पहन लेते हैं, फेस्टिवल वाइब आ रहा है। और चलिए चलते हैं क्योंकि अभी लेट हो गया है, 9:20-9:25 हो गया, सब पहुंच चुके हैं। तो चलिए मैं भी निकलता हूँ, एंजॉय करता हूँ लास्ट डे ऑफ गरबा कल। क्यों चेंज किया कुर्ता? वो वाला नहीं अच्छा लग रहा था, ये वाला सही लग रहा है। वो भी तो अच्छा लग रहा था। नहीं बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। कहाँ फेंका भाई उसको? ओ अच्छे से जैसे निकाले वैसे ही जाके अच्छे से रखे हैं, पक्का देख लो अंदर जाके। नहीं भरोसा है तेरे को। थैंक यू, चलो मार के ना बाय। चाबी नहीं ले जाना? चाबी नहीं ले।
गाइस फाइनली घर आ चुका हूँ एंड टाइम हो रहा है 4:15 बहुत थक गया हूँ, लास्ट डे था तो इसलिए और लेट हो गया। हम लोग सब वही चिल कर रहे थे बैठ के आ रहे में ही सब दोस्त लोग, क्योंकि लास्ट डे था ऑब्वियसली। अब कल दशहरा है, उसके बाद कहाँ ऐसे बैठ के हम लोग करने वाले हैं, ये दिन बहुत मिस करने वाला हूँ। और प्रीति पिंकी का आपने देखा यार, इतना क्राउड हालत ख़राब हो गई, जेन्युइनली मज़ा नहीं आया। एंड गलती भी हम लोग की थी क्योंकि हम लोग बहुत लेट गए थे। मैंने बोला था सबको कि 8:30 बजे तक घुस जाना, मैंने आपको बोला कि मैं लेट हो गया हूँ भाई, मेरे बाद मैं तो फिर भी टाइम पे चला गया था, मेरे को लगा मैं लेट हो गया हूँ, वो लोग 40 मिनट बाद आए बाकी सब, इसलिए जगह नहीं मिला, बहुत कम जगह, ऊपर से बाजू वाले भाई क्या ही छपरी लोग थे, दो बार झगड़ा हुआ, अलग ही होते हैं वो भी, अलग ही स्टोरी है, छोड़ो वो क्या ही बताऊँ। फिर तो कुछ हुआ नहीं, वहाँ से निकल गए, फिर मैं प्रिंसी को भी थोड़ा ढूंढा, नहीं मिली, नहीं तो प्रिंसी का आपको दिखाता, तो प्रिंसी भी नहीं मिली। फिर कुछ ऐसा खास हुआ नहीं, मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा था कि मेरे को कज़न भाई मेरा एक मिल गया था, तो मैं उन लोग के ग्रुप के साथ था, तो मैं अराउंड 1-1.5 घंटा था उधर। बाकी जो आ रहने वाले जो भी बाकी से, वो लोग तो 15-20 हार्डली हाफ एन आवर में निकल गए थे, मैं फिर भी 1-1.5 घंटा था, क्योंकि मेरे पास दूसरा ग्रुप था बहुत बड़ा, मैं उनके साथ चिल कर रहा था। एंड फिर वही आरएनए गए, उसका बात कर आप देखा, मैंने गरबा भी किया फाइनली 9th डे, मैं कहा चलो आज कर लेते, मन किया तो बहुत गरबा किया, बहुत तो नहीं थोड़ा किया, मगर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद नाचे आचे एंड नाउ एट होम, और बस अभी खाना खा के सो जाऊँगा क्योंकि कल भी दशहरा है, तो जल्दी उठ के पूजा ये सब करना है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको एक दूसरे वीडियो में, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए गाइस। मैं मिलता हूँ आपको एक दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बी हैप्पी।